जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो स्कूल बस दिखाई जाती है। उनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मिट्सुको था। वो अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है तो वहीं उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ इंजॉय क्यों नहीं कर रही हो। जैसे ही वो उनकी बातों पर ध्यान देती है उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है और वहीं कोई रफ्तार सी चीज आती है और दोनों बसों को दो टुकड़ों में काट देती है जिसके वजह से सभी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। मिट्सुको जब ऊपर उठती है तो वो डर जाती है और बहुत हैरान हो जाती है और बस से निकलकर भागने लगती है। जो चीज बस से टकराई थी तेज हवा थी जो सबको काट रही थी और वो हवा इसके पीछे भी पड़ जाती है। मिट्सुको तेजी से भागने लगती है। भागते भागते इसे चार लड़कियां दिखाई देती है। वो उन सब से कहती है कि नीचे झुक जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन जब तक वो लड़कियां उनकी बात समझ पाती वो हवा उनमें से तीन लड़कियों को काट देती है और एक लड़की को मिट्सुको बचा लेती है। फिर इन्हें वहां पर कुछ लड़कियां साइकिल पर नजर आती है, उनको भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि ये उन तक पहुंच पाती वो हवा उनको भी काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। मिट्सुको बहुत डर जाती है और डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। फिर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर वो अपना मुंह हाथ धोती है क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत खून लगा हुआ था। वहां पर पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है जिनको हवा ने काट दिया था। वहां से एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और वो चेंज कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिट्सुको चलते चलते एक स्कूल में आ गई है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है। उनका यूनिफॉर्म मिट्सुको के यूनिफॉर्म से चेंज था, यानी कि वो उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की मिट्सुको के पास आती है और कहती है कि तुम कैसी हो। वो दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मिट्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिट्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करती है। फिर अचानक से हवा का झोंका आता है और मिट्सुको डर कर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो मिट्सुको से पूछती है कि तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। मिट्सुको उसे बताती है कि मैं नहीं जानती कि वो मेरा ख्वाब था या फिर सच, लेकिन मैंने देखा है कि हवा का झोंका सभी लड़कियों को काट दिया है। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और मिट्सुको का हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर बोलती है, ये देखो ये एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं, रोज की तरह ऐसे ही हवा चल रही है। ये सुनकर मिट्सुको की परेशानी थोड़ी कम होती है और उसे लगता है कि ये वाकई मेरा ख्वाब था। इसके बाद मिट्सुको की बेस्ट फ्रेंड दो और दोस्त लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लासरूम से बाहर आ रही होती है उनकी टीचर भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन ये चारों वहां से तेजी से भाग जाते हैं और इनकी टीचर पीछे ही रह जाती है। वो चारों भागते भागते क्लिक पर आ जाते हैं। वहां पर मिट्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को उसके ख्वाब के बारे में बताती है। वहां से एक लड़की भाग जाती है और भाग कर कहती है, क्या पता ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है इस दुनिया से ऑपोजिट उल्टा होता है। और ये कहते ही वो लेक में एक पत्थर फेंकती है। देखो यहां तो मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। लेकिन उसके बाद ही हमें अचानक से दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेता है। लेकिन वही फ्रेंड फिर उनसे कहती है, देखो मैंने कहा था ना इस दुनिया में जैसा होता है उस दुनिया में वैसा नहीं होता, और वो उस दुनिया में जो हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता, तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो कि ये बिल्कुल सेफ है, ये सिर्फ हमारा ख्याल था। उसी लेक के पास हमें एक बेड दिखाया जाता है, यानी बिस्तर लगा हुआ। वो चारों लड़कियां उस पर से एक तकिया उठाकर एक दूसरे को मारने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी दो लड़कियां इन्हें देख रही होती है। उनमें से एक प्राइड बनी हुई रहती है और इनफैक्ट उन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर उनमें से एक फ्रेंड उन्हें बताती है कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसे बदल सकते हैं। फिर ये सब स्कूल वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर लेते हुए मिट्सुको को जमीन पर एक तकिया दिखाई देता है। उस तकिया को उठाने के लिए मिट्सुको नीचे झुकती है। उसी दौरान उसकी टीचर पूरे क्लास पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो तकिया उठाकर ऊपर देखती है उसके क्लासरूम की सभी लड़कियां मर चुकी होती है। यहाँ पर वो
वो फिर से एक बार बच गई थी जैसे वो अपने ख्वाब में देखा था। मिट्सुको की टीचर मिट्सुको के सामने आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, अब तुम भी नहीं बच सकोगी। लेकिन इसके साथ ही उसके बाकी के दो फ्रेंड्स भी आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है। लेकिन वही दूसरी टीचर्स दोनों फ्रेंड्स को मार देती है। जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी मिट्सुको उनके साथ बाहर भागती है, लेकिन स्कूल के टीचर्स उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है। जैसे ही मिट्सुको वहाँ से बाहर निकलती है, बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हवा काट देती है। मिट्सुको यहाँ पर फिर से अकेली हो जाती है। इसके बाद वो भागकर एक रिसवली जगह पर आ जाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर वो सब कुछ बता रही होती है। लेकिन वहाँ पर ये फीमेल ऑफिसर ये सब सुनती है और कहती है, लेकिन तुम तो स्टूडेंट्स वाली कपड़े नहीं पहनी हो। जब वो उसे शीशा दिखाती है तो वो बहुत ही चेंज बन गई रहती है। लोग उसे मिट्सुको के नाम से नहीं किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी, तो वही पुलिस ऑफिसर उसको उसकी शादी के लिए लेके जाती है और उसके आसपास के लोग उसको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से चर्च पहुँचते हैं, मिट्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर ही होती है। उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तब वो उसे कहती है कि तुम खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करो। और ये कहते हुए उसे उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है कि अब तुम चली जाओ। वो अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड सबको एक एक करके मारने लगती है। लेकिन फिर भी सभी लड़कियां उसे चिढ़ाना बंद नहीं करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसके ग्रूम के जगह एक बॉक्स पड़ा हुआ रहता है और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है उसमें से एक खौफनाक सुअर नजर आता है। मिट्सुको उसे देखकर डर जाती है, एक टूटी हुई कांच के बोतल से उस पर अटैक कर देती है और फिर मिट्सुको और उसके बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर भी दो लड़कियां इनको रोकती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर भाग जाती है और मिट्सुको दूसरी साइड पर आ जाती है। चलते चलते जब वो मिरर में खुद को देखती है, यहाँ पर फिर से वो एक चेंज लड़की बनी हुई थी। वहाँ पर रेस हो रही होती है, कुछ लड़कियां इसके पास आती है और फिर से किसी और नाम से बुलाकर कहती है, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और वो जब भागना स्टार्ट करती है तो खुद में भागने की एनर्जी फील करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर अपनी एक डेड फ्रेंड्स भी नजर आती है जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी, और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन भागते भागते ये लोग नोट करते हैं कि वहीं पे वो औरतें जो इन्हें चर्च में रोका था इनकी तरफ आ रही थी। तो रेसर इससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होती है, वो यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं और वो मिट्सुको के पास आते हैं और कहते हैं कि हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन वही मिट्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आती है कि तुम इनके जाल में मत फंसना, तुम अपना असली नाम बार बार कहो। और इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे जोर जोर से मिट्सुको कहकर पुकारने लगती है, और इसी के साथ वो अपनी असली रूप यानी कि मिट्सुको के शक्ल में आ जाती है। इसके साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हाथ में लगे हुए वायर दिखाती है, उसे कहती है कि प्लीज मेरी ये वायर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर आ सकूं। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान ना चली जाए, तो क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी तो उसका वायर नहीं खींचना चाहती थी। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर वो वायर खींच देती है। इसी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड के दो हिस्से हो जाते हैं और फिर उसे एक गेट दिखाई देता है। उस दरवाजे से वो बाहर आने पर देखती है कि वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे हैं। फिर उसके तरफ एक लड़का आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो, और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो आगे बढ़ती है, देखती है कि एक बूढ़ा आदमी रूम में गेम खेल रहा होता है और उसके गेम में वही कैरेक्टर नजर आते हैं जो वो पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम तो पहले ही मारी जा चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारा DNA लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मिट्सुको को जब ये पता चलता है कि गेम है तो सोचती है कि शायद मैं अभी भी अपने दुनिया में जा सकती हूँ। और फिर एक आदमी आता है वहाँ पर और मिट्सुको को अपने पास बुलाता है, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ इस गेम की आखिरी सीरीज को खत्म करो यानी कि आखिरी हिस्से को, और मिट्सुको डरते डरते उसके पास चली जाती है। इसी के साथ उसकी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है, अगर हम इस दुनिया में ऐसा करेंगे जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी।
इसी के साथ उस आदमी का गला दबा देती है के साथ वो कहती है कि बस करो अब हमारे साथ खेलना। फिर वो बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में मार लेती है जिससे उसकी डेट हो जाती है। और बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसे कर सकती है और इससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई थी। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर गई थी मगर असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। फिर दिखाया जाता है मित्सुको के बाकी कैरेक्टर भी किसी न किसी वजह से खुद को मार लेती है। अब वो सबके सब गेम का पार्ट नहीं थे। फिर हमें मित्सुको दिखाई जाती है सुनसान बर्फीले इलाके में लेटी हुई रहती है। अब वो असली दुनिया में आ चुकी थी और सब चीज खत्म हो चुका था। यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थी और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।